शहरों में, खासकर जमशेदपुर और जिस तरीके से पलामू और गढ़वा में जिस तरीके से गर्मी ने अपना असर डाल रखा है, उससे काफी परेशान है, खासकर बच्चे जो कि स्कूल लौटते लौटते उन्हें दोपहर हो जाती है, कई जगहों पर 1:30 बजे, कई जगहों पर 2 बजे, कई जगहों पर पासिंग 3-3 बजे तक करण स्कूल है चलते हैं। ऐसी ये स्थिति में बच्चों को जो लौटने में देर होती है और उस वक्त जो करण पारा है वो अपने पूरे चरम पर रहता है, सूरज जो है वो पूरे अपने प्रखर रूप में रहता है है जो और बच्चे जो है वो पहले से ही स्कूल से थके हुए रहते हैं और उसमें कई बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बीमार हो चुके हैं, अस्पताल में बच्चे आ रहे हैं। तो हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, हालांकि सरकार अभी इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है स्कूल के टाइम को बदलने की, फैमिली। लेकिन अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। हमारे नमस्ते साथ हमारे कई मेहमान जुड़े हुए हैं, नमस्ते हम उनके उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी जो कि पर्यावरणविद हैं वो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अनंत दास जुड़े हुए हैं और उनके साथ एक मेहमान भी हैं, हमारे साथ डॉक्टर उमेश कुमार जुड़ेंगे, हमारे साथ अजय रॉय जुड़ेंगे जो कि झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं, इसके अलावा कई आप इंग्लिश की अभिभावक ट्राई भी करें हमारे साथ तभी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ये रिपोर्ट। होगा। राज्य में गर्मी अपने पूरे चरम पर है, अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही कई शहरों का पारा 44 डिग्री पार कर चुका है। इन गर्मियों में सबसे ज्यादा परेशानी छोटे छोटे बच्चों को हो रही है जो भरी दोपहरी में स्कूल से लौटते हैं। कई संगठनों ने शिक्षा विभाग से स्कूलों के समय में फेरबदल करने की मांग की है। स्कूलों के समय में बदलाव को लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को शिक्षा मंत्री के पास भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद विभाग आदेश जारी करेगा। शिक्षक संगठनों ने सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक कक्षा संचालन की मांग की है। इससे पहले विभाग द्वारा 1 अप्रैल से स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। अभी दोपहर 1 बजे तक स्कूल चल रहे हैं जबकि प्राइवेट स्कूलों में 1:30 या 2 बजे तक। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को भी अवकाश रहेगा। इसके लिए भी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार है। झारखंड अभिभावक संघ ने भी राज्य के शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि स्कूलों का समय बदला जाए और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर फैसला होगा। हमारे साथ हमारे दो दो अतिथि जुड़ चुके हैं और उसके पहले हम आपको अजय राय से हमारी जो बातचीत हुई थी वो भी हम दिखाएंगे, लेकिन हमारे साथ झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय राय जी भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है अजय जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी जुड़ चुके हैं, अनंत दास जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम अजय जी के ही पास चलते हैं। अजय जी, आप लोगों ने भी एक पत्र लिखा है शिक्षा मंत्री को, क्या उस पर कोई फैसला हुआ है, तो बात हुई इसकी? देखिए, अजय राज, शिक्षा आपको मेरी विभाग से आवाज तो मिल नहीं हो रही है? पाई है, लेकिन पूरे राज्य के अंदर जिस तरीके से, हाँ, आपकी आवाज मिल रही है। जी मैं नीलय जी, हमारी आवाज आपको सुनाई दे रही है ना? अजय जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा आप उसको तो शिक्षा ईयरफोन मंत्री को हमारे अपने पास साथ, लाकर बात करेंगे तो आपकी आवाज में मिल पाएगी। नहीं ठीक है नीलय जी, मैं ये बोल रहा था कि जी शिक्षा मंत्री से हमारी बातचीत वगैरह तो नहीं हो पाई है, लेकिन पत्र उनके यहाँ मिल चुका है और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी जो है पत्र वहाँ पर गए हैं, जो सूचना हमें मिली है। तो और जिस तरीके से पूरे राज्य के अंदर अभी जो गर्मी का जो प्रकोप है, ये कहीं किसी छिपा हुआ नहीं है। हर रोज अखबार में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको देखने और सुनने को मिल रहा होगा कि कितने बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देखिए, एक और तो हम लोग कोविड के कारण पिछले 2 साल से लगातार बच्चों का पठन पाठन तो बाधित रहा ही, घर पे रखकर उनको जो हम लोग ऑनलाइन वगैरह पढ़ा पाए वो तो पढ़ा पाए, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती है। लेकिन अभी हम भी इस पक्ष में हैं कि बच्चों का पठन पाठन वो कंटिन्यू जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा अपना यह भी मांग है कि बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए प्राथमिकता है, क्योंकि बच्चे हैं तभी हम उनको आगे स्कूल भेज पाएंगे या जो भी इस पर निर्णय जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा उसको हम लोग लेकर के चलेंगे। लेकिन आपको इतना जरूर कहूंगा इस आपके लगातार चैनल के माध्यम से कम राज्य सरकार को इस विषय पे सोचने की जरूरत है कि जिस तरीके से कोरोना के प्रकोप के बाद बच्चे अभी धीरे धीरे स्कूल जाना भी शुरू किए हुए हैं, अभी उनके रूटीन में भी वो चीज अभी शुमार नहीं हो पाया है, चूंकि इतने लंबे अंतराल के बाद स्कूल खुले हैं और बच्चे जाना शुरू हुए हैं,
तो हम लोग भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन थोड़ा टाइमिंग जो है, टाइमिंग का अगर उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है तो हमें लगता है कि वो थोड़ा सा ठीक होगा। और ऐसे भी अभी हर गार्जियन को भी आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँ कि हर गार्जियन को भी थोड़ा प्रिकॉशन लेकर के और बच्चों के रख रखाव में आपको उसके लिए प्राथमिकता देनी होगी। अपना दूसरे जो भी काम है उस काम के साथ साथ बच्चों को लेकर के आपको चिंता करनी होगी, क्योंकि अभी के समय एक तो कोरोना के साथ साथ हम लोग अब जो बढ़ते गर्मी है इसके प्रकोप से भी परेशान है, और इस परेशानी में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो हमारे नन्हे नौनिहाल है। तो उन सब चीजों को ध्यान देते हुए राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेते हुए समय सारणी में बदलाव करना चाहिए, ताकि जो वहाँ के टीचर हैं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो सबको सबके लिए उसमें सहूलियत हो और बच्चों को भी कम से कम स्वास्थ्य संबंधी उसका लाभ जो है वो मिल पाए। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपसे और भी बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे 3 मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हम गढ़वा चलते हैं। हमारे सहयोगी अरुण मौजूद हैं और उनके साथ एक अभिभावक भी मौजूद है। अरुण, बताइए कि गढ़वा की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब है, पलामू और गढ़वा, पारा जो है वहां 44 के आसपास आ चुका है, क्या स्थिति है अभी वहां पे? नीले जी, मैं आपको सबसे पहले अगर बता रहे पारा की बात, तो कल जो रिकॉर्ड जो की गई है वो 46 डिग्री पारा कल गढ़वा में रिकॉर्ड की गई है। आज की बात करें तो वही सिलसिलेवार ढंग से आज भी 46 डिग्री 45 डिग्री आज भी जो पारा कह सकते हैं कि आज भी दर्ज की गई है। गर्मी की अगर हम बात करें तो इसमें गर्मी की लहलाती धूप में लोगों को जीना मुहाल हो गया है। अगर हम बात करें विद्यालय की, तो विद्यालय यहाँ पे कुछ विद्यालय बंद पाए गए तो कहीं कुछ विद्यालय चालू भी पाए गए। अगर हम बात करें तो अभी हमने कई अधिकारी से बात करने की कोशिश की, तो अधिकारी को साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो निर्देश है कि 7 बजे सुबह से लेकर 1 बजे तक विद्यालय चलाना है, लेकिन कुछ शिक्षक अगर कह सकते हैं कि अपने मन से 11:30 बजे गर्मी को देखते हुए छुट्टी जरूर कर दे रहे हैं, लेकिन वहीं अगर हम घटनाक्रम की बात करें गर्मी की मतलब लेकर, तो एक गढ़वा जिले के रंकान मंडल के सुनपुरवा विद्यालय है जो कि वहां पे एक बच्ची को गर्मी के कारण जो है कि नाक पे ब्लड आ गई थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्मी ने अपना जो रुख बदला है, गर्मी जितना तेजी से पड़ रही है उस हिसाब से अब बच्चों को भी नजर आ गए हैं कि उसमें बच्चे भी अब उसमें मतलब ग्रसित हो रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे एक पेरेंट्स मौजूद हैं जो बच्चे को, इनसे भी हम खुद बात करते हैं, जानते हैं क्या कहेंगे आप। स्कूल का जो टाइमिंग जो है उसको कम कर दिया जाए लू के चलते, क्योंकि लू जो है कल 46 डिग्री सेल्सियस थी लगभग। गर्मी जो है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, बच्चे लोग परेशान है, गार्जियन भी परेशान है, कभी लू लगने का डर लगा हुआ रह रहा है। हम तो यही चाहेंगे राज्य सरकार से कि जो टाइमिंग जो है टाइमिंग को कम कर दिया जाए। क्या टाइम आप मतलब सही रहेगा? टाइमिंग जो है 7 से 11 तक कर दिया जाए तो अति सुंदर। नीले जी, आप सुन सकते हैं साफ तौर पे इनका भी कहना है कि 7 से 11 का टाइमिंग अति सुंदर होगा। अगर हम वही बात करें, मैंने सीआरपी जो होते हैं संकुल साधन सेवी संजय प्रसाद से मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले किया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक गुरुवार कार्यक्रम चल रहा है जिसमें कि बच्चों के वृद्धि के लिए उसमें लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना काल के बाद बच्चे जो स्कूल जाना बंद कर दिए थे उन लोगों को कैसे विद्यालय मतलब लाया जाए। गर्मी में बच्चों की संख्या कम नहीं हुई है, कह सकते हैं कि बच्चों को आम संख्या में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन गर्मी से कहीं ना कहीं एक दृश्य आना शुरू हो गया है कि बच्चे को लू लग रहा है, कहीं नाक पे ब्लड आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि गर्मी जिस हिसाब से अपना प्रकोप दिखा रही है, कहीं ना कहीं ऐसे खतरों की घंटी है। लगातार पाराएं जो बात करें तो 45 से 46 डिग्री निरंतर जारी है। जी बिल्कुल, 45 और 46 डिग्री आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन अभी भी औपचारिक घोषणा नहीं की है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हालांकि कुछ स्कूल, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं, कि कुछ स्कूलों ने समय में कटौती की है, लेकिन सभी स्कूलों में ऐसा होना चाहिए। हमारे साथ दो और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, दिनेश पांडे बोकारो से और जमशेदपुर से राजलक्ष्मी, और हमारे साथ डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी भी हैं, अजय राय भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण जी बात करने के लिए। और हम बेरमो का रुख करते हैं, हमारे साथ अनंत दास जुड़े हुए हैं और उनके साथ एक मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अनंत जी, बताइए वहां की क्या स्थिति है और क्या प्रशासन ने अभी तक कोई इसकी पहल की है? जी नीरज जी, अभी हमने बात किया था, आज दिन में स्कूल गए थे, स्कूल में कुछ गार्जियन थे, एक तरफ अलर्ट जोन में है, उनका साफ कहना था कि बहुत मुश्किल से अभी स्कूल चालू हुआ है और ऐसे हालात में हम लोग स्कूल बंद, बच्चों को नहीं चाहते हैं कि कोई बच्चा स्कूल नहीं जाए। लेकिन अभी जो हमारे एक और गार्जियन से बात हुई, बोला कि बच्चों को चिकन पॉक्स तक भी मतलब गर्मी की वजह से हो जा रहा है,
और मैंने एक डॉक्टर से भी बात किया कि ये चिकन पॉक्स तो पहले पुरानी बीमारी है, लेकिन उन्होंने कि गर्मी के वजह से भी ऐसा हो सकता है। मेरे साथ एक अभिभावक है यहाँ बोकारो थर्मल से, ये है संजय प्रसाद जी। हम इन्हीं से जानते हैं कि जो अभी बच्चे लोगों का जो स्कूल है और ये गर्मी यहाँ बोकारो का भी है, हम लोग देख रहे हैं करीब 40 से 42 डिग्री तक का तापमान बढ़ गया है। ऐसे हालत में ये अभिभावक का क्या कहना है, क्या कहना है संजय जी? नमस्कार निले जी, अभी जो गर्मी का प्रकोप है, चूंकि हम लोग नमस्कार चूंकि गर्मी का जो भयंकर प्रकोप है और हम लोग रहते हैं कोयलांचल में, और कोयलांचल में चारों तरफ जिस हिसाब से पेड़ पौधा कटी है, खदाने खुली है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, सूरज की प्रचंड गर्मी जो पत्थर को पूरा तपा देती है, जिसके चलते भयंकर गर्मी पड़ रही है, और उस भयंकर गर्मी में छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी के बच्चे हैं, क्लास वन के बच्चे हैं, क्लास टू के बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, और स्कूल का टाइमिंग भी अनियमित है, 1-1.5 बजे तक स्कूल छुट्टी होता है, लगभग बच्चे 2-2.5 बजे तक अपने बस से जाते हैं। क्योंकि बोकारो थर्मल में और बेरमो में डीएवी स्कूल है, सेंट्रल स्कूल है, और अगल बगल के 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दूर से बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बस से आते हैं, और देखते हैं हम लोग कि उनको घर पहुंचते पहुंचते करीब 2:30 बज जाता है, और इस भयंकर गर्मी में बच्चे बाहर रहते हैं, ये तो हम अभिभावक लोगों को बहुत माने कष्ट होता है। और ये पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ में बच्चों लोग का स्वास्थ्य भी जरूरी है। अभी हमारे आनंद भाई साहब पूरे बोकारो थर्मल में और पूरे बेरमो कोयलांचल के हर स्कूल में गए और वहां बात भी किए थे, और जिस तरह का माहौल बन रहा है, हमको तो लगता है कि सरकार को इस विषय में बहुत गंभीरता पूर्ण विचार करना होगा, ताकि छोटे छोटे बच्चे, और जैसा कि आनंद जी ने बताया कि जो स्मॉल पॉक्स है चाहे चिकन पॉक्स है, ये सब भयंकर गर्मी में शरीर से फूट के निकलते हैं, ये कोई प्रकोप नहीं होता, लेकिन गर्मी के वजह से इस तरह की बीमारियां, फुंसी फोड़ा, बच्चों को लू लगना, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, इस तरह से अनेक प्रकार के समस्या से हम लोग को रूबरू होना होता है। इसलिए हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से निर्णय जी कि झारखंड सरकार इस विषय में सोचे, क्योंकि झारखंड के शिक्षा मंत्री है, हमारे क्षेत्र के बगल में रहते हैं, हम लोग उनसे भी व्यक्तिगत बात करेंगे। आनंद जी बहुत ही मूर्धन्य पत्रकार हैं इस क्षेत्र के, और आनंद जी भी हो सकता है कि आनंद जी की मन में ये भावना होगी कि वो जाएंगे और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके और इस समस्या से उनको रूबरू अवगत कराएंगे, और हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंड के अभिभावक लोग को भी इस बात को संज्ञान में देना चाहते हैं, और बाकी तो सब कही रहे हैं पूरे झारखंड पूरे राज्य। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हमारे साथ डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास चलते हैं। मौसम की जानकारी और पर्यावरण की जानकारी वो रखते हैं। डॉक्टर मुखर्जी, क्या लगता है, गर्मी की बात हमने पहले भी की थी और अब जो बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि अभी कई गार्जियनों ने बताया कि बच्चों के नाक से ब्लड आ रहा है, कई बच्चे बीमार हो गए हैं, लू भी लग सकती है बच्चों को, एक तो सुबह सुबह बच्चे खा के निकलते हैं, दोपहर में बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है, और उसके बाद दोपहर में एक लंबी यात्रा, करीब 1 से 1.5 घंटे की यात्रा अमूमन एक बच्चा औसतन करता है बस में। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है और क्या करना चाहिए प्रशासन? देखिए, जहां तक स्कूली बच्चों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे अगर आपका चर्चा जो हो रही है बेसिकली स्कूली बच्चों की, दो तरह के बच्चे हैं यहाँ पे, नहीं क्योंकि दोपहर को बच्चे 1-1.5 बजे निकलते हैं स्कूल से और उसके बाद लौटते हैं, तो जाहिर थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूँ थोड़ा सा, दो तरह के बच्चे हैं इसमें, एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। बड़ा फोकस हो जाता है प्राइवेट स्कूल के बच्चों में, और जहां तक प्रश्न है कि अभी बार बार यह कहा जा रहा है, अजय राय जी ने कहा है कि वो कि जो बच्चे भाई अभी कोरोना काल के बाद से पढ़ाई लिखाई चालू हुआ है उनका, देखिए वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है कि देखेंगे आप हीट वेव जो रहता है, वो हीट वेव है 12:30 से 2 का समय, 2:30 बजे तक के ये वेव देखेंगे आप, टेम्परेचर जब बढ़ता है तो उसका आप ग्राफ लेंगे जी, तो 12:30 से लेकर 2 से 2:30 बजे तक का, तो इस टाइम को कैसे अवॉइड करें, कई चीजें देखेंगे आपको, जैसे समर वेकेशन है, विंटर ब्रेक, हमारे यहाँ पे जिस क्षेत्र में मैं काम करता हूँ वहां पे आपको समर ब्रेक नहीं होता है, वहां पे बरसात में होता है, आपको वो धान रोपनी के लिए छुट्टियां दी जाती है कि बच्चे जाकर धान रोपें,
इस तरह कई वैकल्पिक व्यवस्था है अलग अलग क्षेत्र में, अपने यहाँ झारखंड में है ये। तो हमारा एक चीज है कि बच्चों को जो सनरेज से, जो हीट वेव से कैसे बचाएं, एक तो कैसे बचाएं, दूसरा सबसे पहला कि उस हीट वेव का जो पीरियड है उसको अवॉइड करें। और उसको अवॉइड करने का है कि मतलब कि आपको किसी भी कीमत पे 11:30 से 12 के पहले स्कूल को बंद करें, मतलब पढ़ाई उसमें पूरा पूर्ण रूप से करें। इसमें क्या है, देखिए बच्चे अभी मैं देख रहा हूं या अभी आप सब लोग देख रहे होंगे, जो बच्चे आ रहे हैं 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे 1 बजे 1:30 बजे छुट्टी होती है, जो सबसे हीट वाला समय होता है। तो इसको अवॉइड कैसे करें, इसको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखें कि आप प्रशासन को करना चाहिए इसके ऊपर में कि जब स्कूल हम 12 बजे से पहले, सो दैट कि 1 घंटा 1.5 घंटा, बस में भी बच्चे आते हैं तो 1-1.5 घंटे, और बस में भी इस तरह से भेड़ बकरियों की तरह से लाद दिया जाता है स्टूडेंट्स को, छात्रों को, तो उससे गर्मी, उसमें अलग तरह का बीमारी होने का संभावना ज्यादा है। उसमें हीट वेव के साथ साथ अंदर की गर्मी भी है बसों में। कार से भी जा रहे हैं बच्चों को, अगर आप देखते हैं कार बंद है थोड़े समय के लिए, एसी चलाते हैं, एसी जैसे बंद करते हैं, एसी नॉन एसी वाला बात जब आता है कि थोड़े समय के लिए एसी में बैठे हैं और फिर जब स्कूल छोड़ने जाते हैं तो बच्चे जाकर के फिर नॉन एसी वाले एनवायरमेंट में आ जाते हैं, इससे बच्चों की तबीयत बिगड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, एक स्कूल का समय जो है, सबसे पहले हम देखें कि स्कूल के समय को हम एकदम 12 बजे तक 11:30 11 तक रेस्ट्रिक्ट कर दे, सो दैट कि हमारे बच्चे जो हीट वेव का जो पीरियड है उस पीरियड तक हमारे बच्चे घर लौट जाएं। जहां तक बच्चों का जो और कम करना है इफेक्ट, जो प्रभाव कम करना है हीट वेव का, उसे बच्चों को लाइट क्लोथिंग करना है, वो डीप कलर का कपड़ा नहीं पहनना है और कलरलेस कपड़ा पहनना है, रंगीन कपड़ा नहीं पहने, अम्ब्रेला छाता का प्रयोग और आपका कैप हैट का प्रयोग। देखिए दूसरी बात है कि मार्केटिंग वाला समय होता है, मैंने देखा है कि झारखंड में भी अपने यहाँ पे पाकुड़ में साहिबगंज जामताड़ा में ये होता है कि आपको 11:30 से 12:30 के बाद आपको 4 बजे तक पूरा मार्केट बंद हो जाता है। आप जाएंगे पश्चिम बंगाल में ये वाला कल्चर है कि 12:30 से लेकर 4 से 4:30 तक देखेंगे आप 5 बजे जाकर के सारी दुकानें खुलते हैं। तो ये अलग से बच्चों के अलावा दूसरे भी जो हैं, क्योंकि परेशानी बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी है। और बच्चों को आप अगर भेजते हैं, देखिए खाली पेट ना भेजें बच्चों को, जैसे जो गरीब बच्चे हैं जी, वो किसी तरह से गरीब बच्चे हैं, उनको खाने के लिए बच्चे दें कुछ ना कुछ, खीरा ककड़ी अभी जो मौसमी फल उपलब्ध होते हैं उन फलों को दे बच्चों को लेकर के, और उचित पर्याप्त मात्रा में पेयजल का पेय पदार्थ जो भी हो, अभी मौसमी जूस भी मिल जाते हैं गाँव में, खरबूज तरबूज जो है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिल रहा है, तो वो लगातार फल के जूस दें या पेय पदार्थ, तीनों बार आप जब जा रहे हैं हीट वेव में गर्मी के में जब एक्सपोजर आपको हो रहा है, उस एक्सपोजर से पहले और अगर ड्यूरिंग द एक्सपोजर भी और एक्सपोजर के बाद भी, तीनों समय में आपको आपको एक्सपोजर ये देना है, आपको पानी पेयजल या पर्याप्त कोई भी पेय पदार्थ का सेवन करना है। और एक चीज मैं बताता हूं, सबसे बड़ी बात है अभी एक प्रशासन को, चूंकि अब ये मैं पहले भी बताया हूं और भी बताता हूं कि ये आपका जो कोल्ड वेव बड़ा पैथेटिक है, 46 डिग्री गढ़वा में बता रहे हैं वो संवाददाता जो बता रहे थे, तो इसको कैसे एक इंफॉर्मेशन सेंटर राज्य स्तर पे हो, एक इंफॉर्मेशन, ताकि जो बच्चों को दिक्कत हो रही है वो इंफॉर्मेशन बार बार एक लाइव ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट जो भी करना है, एक इंफॉर्मेशन सेंटर हो सेंट्रली स्टेट का, और साथ में हमारे सारे जिले में भी वो इंफॉर्मेशन सेंटर बने, ताकि वो आपके जो वेदर और क्लाइमेट लोकल न्यूज है, वेदर चैनल्स जो है वो बार बार उसको टेलीकास्ट करें, क्योंकि इससे जो है जाकर के इंफॉर्मेशन सेंटर जो बनेगा उससे इंफॉर्मेशन बार बार जाता जाता रहेगा, कम से कम दिन में एक बार दो बार पीक आवर में, और कहां की कंडीशन हीट वेव कैसा है, जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट में करते हैं कि हाँ बारिश होगी और यहाँ, तो ये हीट वेव का और नहीं निकलने का, घर से ना निकले बच्चे, स्कूल की टाइमिंग को जो है 12 से पहले खत्म करें, और खाना गर्म खाना भी बहुत ज्यादा है, बॉडी को हीट देता है, तो गर्म खाना ठंडा चीज लें और गर्म खाना को भी अवॉइड करें। इसमें मैंने एक बात कहा कि एसी नॉन एसी वाला भी देखिए, जब आज बड़ा एक कल्चर हो गया है भाई एसी वाली कार, तो बच्चे निकलते हैं और स्कूल जाएंगे तो फिर वो नॉन एसी वाला, तो इससे बहुत ज्यादा हीट रिलेटेड, लास्ट में मैं एक छोटी सी बात बता दूं, हीट रिलेटेड डिजीजे जो है जो कि गर्मी के कारण से होता है, चाहे वो सिम्टम और उसके सिम्टम्स और साइन को पहचाने गार्जियन, और बच्चों को जैसे होता है तो तुरंत वो जैसे सनबर्न है, हीट स्ट्रोक है, क्रैम्प्स है, और तुरंत
मेडिकल असिस्टेंट की आवश्यकता होती है, इस तरह के मेडिकल इमरजेंसी वाली बात भी यहाँ पे आज जो बच्चे बड़ी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तो इस तरह की एक व्यवस्था जिला प्रशासन या राज्य सरकार के द्वारा करना चाहिए। नीला जी बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर उमेश भी जुड़े हुए हैं जो कि जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष हैं। हम आपके पास भी आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी से अपने मोबाइल का, या अगर लैपटॉप में है तो उसका स्पीकर ऑफ कर दें, उसकी आवाज इको हो रही है। बताइए क्या आपको क्या कहना, क्या कहेंगे अभिभावक संघ के अध्यक्ष होने के नाते? सर सबसे पहले तो मैं लगातार मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि इस जो हमेशा ज्वलंत मुद्दे को उठाते रहे हैं, और वर्तमान में जो बच्चे फेस कर रहे हैं इस गर्मी में, जिस तरह से बच्चों का हमने व्यू सुना, पेरेंट्स का व्यू सुना, सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारी राज्य सरकार है, हमारे यहाँ जो झारखंड क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों में गर्मी का जो प्रकोप है अलग अलग तरीके का है। जैसे डॉक्टर प्रसन्नजीत बता रहे थे कि उनके क्षेत्र में बरसात ऋतु में जो है छुट्टी दी जाती है, लेकिन जहाँ पूर्वी सिंहभूम की बात करें, सरायकेला खरसावां जिला की बात करें जहाँ हम लोग रहते हैं, वहां पर जो गर्मी का जो प्रकोप है 12 से 2 बजे के बीच दोपहर का जो समय है काफी पीक आवर रहता है, और उस समय लू का भी प्रकोप शुरू हो जाता है, और जिला प्रशासन द्वारा लू अलर्ट भी जारी कर पूर्व में ही जारी कर दिया गया है। ऐसे में जबकि बच्चे इस गर्मी में स्कूल आ जा रहे हैं, यह तो स्वतः संज्ञान लेने वाली बात है, जिला प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, राज्य सरकार को, राज्य सरकार के पास जिलावार अमली जामा है, यहाँ के पूर्वी सिंहभूम के साथ साथ सरायकेला खरसावां में भी एक्सपर्ट हैं, उनको रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए, चाहे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, उनको रिपोर्ट सरकार को सबमिट करनी चाहिए कि हमारे जिला में गर्मी का प्रकोप ज्यादा है, स्कूल के साथ साथ और भी दूसरे जो भी गाइडलाइन है वो इश्यू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पिछले अप्रैल महीने के शुरुआत से हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि स्कूलों का समय कम किया जाए, लेकिन किसी के कान पर जू रेंगने वाली स्थिति नहीं है। स्कूल अब जो है स्वतः जो है समय बदलने के स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी स्तर से जो है गाइडलाइन जो इश्यू करना चाहिए था, हम लोग की डिमांड है कि सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे या 10:30 बजे तक समय रखा जाए, और जहां तक पढ़ाई की बात है तो बच्चे अगर स्वस्थ रहेंगे तो आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, समर वैकेशन को जो समय होता है उसको काट दिया जाए, ना दिया जाए समर वैकेशन, उसमें कंटिन्यू किया जाए बच्चे के जो भी रिमेनिंग जो स्टडी है। तो ऐसे में जिला प्रशासन के साथ साथ जो है हमारे जो सरकार है, राज्य सरकार है, वह अगर शिथिल है तो कहीं ना कहीं जो है हम अच्छे स्वस्थ प्रशासन और स्वस्थ सरकार की हम उम्मीद नहीं कर सकते। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा मंत्री अपनी पोती का, अपनी नतनी का स्कूल में फीस जमा करने के लाइन में लग जाते हैं, क्या उनकी नतनी प्यारी है? झारखंड के बच्चे उनके लिए प्यारे नहीं है? हमारे लिए तो सभी बच्चे प्यारे हैं, मैं सभी बच्चों को, मैं अभिभावक संघ का अध्यक्ष हूँ, हमारे लिए सभी बच्चे बराबर है। जिस तरह से मैं अपने बच्चों को जितनी प्यार करता हूँ, पूरे झारखंड के बच्चों को मैं प्यार करता हूँ, जमशेदपुर के बच्चे को प्यार करता हूँ, और सभी की मुझे चिंता है, इसलिए मैं जब भी जरूरत होती है, जैसी भी जरूरत होती है, जो डिमांड करने की बात होती है मैं उठाते रहता हूँ। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, मैं अप्रैल महीने के शुरुआत में यह मांग पत्र भेजा था माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार और शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार, लेकिन वहां से कोई भी अब तक जो है 13 दिन आज 14 दिन हो गया, लेकिन कोई भी जो है वहां से गाइडलाइन इशू नहीं हुआ है कि समय बदला जाए या ना बदला जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है, सरकार को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, जिला प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और जहां तक अभिभावकों से भी अपील है, आपके मीडिया के माध्यम से अभिभावकों से अपील करना चाहता हूं कि बच्चे को सुबह में खाली पेट ना भेजे, ये मेडिकल टर्म है, कुछ ना कुछ उनके पेट में अन्न होना चाहिए, पानी की बोतल जरूर दे बच्चों को, और समय समय पर जो है ग्लूकोज की जो है सॉल्यूशन जो जरूर उनको पिलाते रहे, जो एनर्जी का उनके शरीर में काम करेगा। और आगे जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से जब टेलीकास्ट होगा ये प्रोग्राम, तो सरकार इसके कान पर जुड़ेंगे और उनके तरफ से गाइडलाइन इशू हो। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, और आज कैबिनेट की बैठक भी है, हो सकता है कि इस पर ही कोई फैसला ले, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि प्रस्ताव
लगभग तैयार है। और हमारे साथ दिनेश पांडे जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राज लक्ष्मी जुड़ी हुई है। लेकिन राज लक्ष्मी के पास जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं राज लक्ष्मी की रिपोर्ट जो उन्होंने जमशेदपुर से भेजी है। उसके बाद हम राजलक्ष्मी से भी बात करेंगे और दिनेश जी से भी बात करेंगे। राजलक्ष्मी की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दिनेश जी से एक बार बात कर लें बोकारो की क्या स्थिति, उसके बाद हम आपको राजलक्ष्मी की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिनेश जी देखिए, बोकारो के भी अगर निलेश जी अगर बात कही जाए तो यहाँ भी एक आज आज का जो स्थिति जो है, कल तो 40 पॉइंट कुछ था लेकिन आज 41 के लगभग आज जो है गर्मी पहुंच चुकी है। और खासतौर पर यहाँ अगर निजी स्कूलों की बात की जाए या सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो बेशक ये कहा जा सकता है कि समयों में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी प्रचंड गर्मी जो बढ़ते जा रहा है इससे कहीं ना कहीं खास छात्रों को परेशानी हो रही है। और केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी, क्योंकि सभी बच्चे जो है बस से ही नहीं भेजे जाते हैं, कुछ अभिभावक जो है अपने बच्चों को ले जाकर के पहुंचाते हैं, फिर उन्हें लाने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है। ऐसी स्थिति में अभिभावक और छात्र जो है दोनों परेशान रहते हैं। और रही बात प्रबंधन की, तो प्रबंधन जो है अब समय में बदलाव करने का भी आज संकेत दे दिया है। लगभग उम्मीद यह आशंका यह जताई जा रही है कि निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो लोग जो है इस मुद्दे पर जरूर आज देर शाम तक, मुझे लगता है कि देर शाम तक वो लोग अपने समय में बदलाव की घोषणा करेंगे। लेकिन चाहे वो मामला जो भी हो अभी तक घोषणा नहीं, लेकिन सरकारी स्तर पर जो पहल की जानी चाहिए, हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी हमने इस संबंध में बात की है, वो उनका सीधा सा कहना है कि जब तक सरकार का इंस्ट्रक्शन प्राप्त नहीं होता है या जब तक डीसी का आदेश हमें प्राप्त नहीं होता है तब तक हम इसमें कुछ भी बदलाव करने के हम इस स्थिति में नहीं है, क्योंकि हम उसके लिए अधिकृत नहीं है। जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है और जिला प्रशासन ही इस पर कोई बड़ी निर्णय ले सकता है। तो ऐसी स्थिति में रही बात, हम अगर बात करते हैं कि जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है और इसमें जो परेशानी होती है, आज हमने देखा है अगले सुबह कि जब हम निकले थे खबर बनाने के लिए तो 2-3 बसें जा रही थी। अब ये सवाल ये उठता है कि जिन बसों में जो क्षमता से अधिक यानी भेड़ बकरियों की तरह छात्रों को बसों में ले जाया जा रहा है, तो सुबह का काम तो चल जा रहा है, इसलिए वह उस टाइम जो है जब बच्चे जा रहे हैं 6 बजे, कई 6:30 बजे और 7 बजे के आसपास, तो उस समय गर्मी भी कम होती है और मौसम उनके अनुकूल होता है तो काम तो चल जाती है। लेकिन जब ही स्कूल बंद होने के बाद जब बच्चों को स्कूल से घर लाने की बारी आती है तो जिस तरीके से जानवरों की भांति जो बच्चे स्कूल बसों में घुस कर लाए जाते हैं, खास तौर पर बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तर बतर होते हुए उनके बदन के कपड़े जो हैं वो गीले होते हैं। लेकिन अभी हमने सुना कि हमारे दो दो डॉक्टरों ने इसकी दलील दी है कि भींगे हुए कपड़े हमेशा नहीं पहनना है। तो ऐसी स्थिति में आखिर लोग कर ही क्या पाएंगे, मजबूरी बन जाती है। और इसके बाद जो है गर्मी लगातार जो बढ़ रही है, बेशक बोकारो ही नहीं बल्कि राज्य के तमाम स्कूल है या छात्र है या अभिभावक हो, उनके अलावे बाजार करने वाले लोगों को भी खास परेशानी होती है, आम लोग काफी परेशान है। दूसरी तरफ निर्बाध रूप से राज्य में विद्युत आपूर्ति में भी कटौती की जा रही है, जिसके कारण अब जीना मुहाल हो गया। जी निलय जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ राजलक्ष्मी भी जुड़ी हुई है। राजलक्ष्मी, अभी हालांकि उमेश जी ने बहुत सारी बातें बताई लेकिन आपने भी रिपोर्ट भेजी है, कुछ तकनीकी वजहों से वो रिपोर्ट हम आपको अभी नहीं दिखा पा रहे हैं। क्या लगता है आपको जमशेदपुर में क्या स्थिति है, वहां तो ऐसे भी गर्मी अपने पूरे प्रकोप पर है, क्या प्रशासन की ओर से कुछ इसमें रियायत की जा रही है? निलय, यदि यहाँ जमशेदपुर में गर्मी की बात करें तो गर्मी अपने चरम पर है और अमूमन अप्रैल के महीने में ये गर्मी का हाल देखने को नहीं मिलता था। जैसे कि रिपोर्ट में भी साफ तौर पर कहा जा रहा है दुकानदारों के द्वारा, मैंने साक्षी बाजार की रिपोर्ट बनाई थी और उसमें दुकानदारों का सीधे तौर पर कहना था कि अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी और इस वर्ष मई और जून की गर्मी अप्रैल में पड़ रही है। तो मई और जून में किस हिसाब से गर्मी पड़ेगी इसका अंदाजा हर कोई डर रहा है।
और रही बात स्कूल की, तो डॉक्टर उमेश ने सारी बात बता दी कि किस तरह से जमशेदपुर में लगातार मांग की गई यहाँ पर अभिभावक संघ के द्वारा, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों ने खुद ही यह निर्णय लिया है। हालांकि सरकारी स्कूल अभी भी इस निर्णय से दूर है, तो सरकारी हस्तक्षेप के बिना अभी भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो गर्मी के प्रकोप में है और उनका समय वैसे ही बना हुआ है 7 बजे से सुबह 1:30 बजे तक का। और बात अन्य जिलों की कर ले यहाँ से सटे, तो अन्य जिलों का भी हाल वही है। चाईबासा में आपको बता दें कि चाईबासा में सरकारी स्कूलों का समय तो सही है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में अभी भी समस्या वही बनी हुई है। तो गर्मी का जो आलम है उसे देखते हुए सबसे पहले तो समय में कटौती की जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार कोरोना काल के प्रकोप से भी स्कूल डरे हुए हैं और उन्हें पढ़ाई की चिंता है, और यही वजह है कि समय में कटौती नहीं की जा रही है। जिला प्रशासन भी इसे लेकर आगे नहीं आ रहा है, और जैसे कि अभी उम्मीद की जा रही है कि बैठक होगी और बैठक में निर्णय लिया जाएगा, तो यही उम्मीद की जा सकती है कि इस पर बच्चों के हित में निर्णय लिया जाए, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इस पूरे बातचीत के दौरान जो बात सामने आई है वो यही है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो यही उम्मीद की जा सकती है निर्णय कि सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सही आकलन के साथ आज के बैठक का निर्णय लिया जाएगा। जी निर्णय जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजलक्ष्मी तमाम जानकारियां देने के लिए। हमारे साथ दिनेश जी ने भी जानकारी दी, आपका भी दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी और डॉक्टर उमेश कुमार जो कि झारखंड जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उमेश और डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी जो कि पर्यावरणविद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर हमारे साथ अजय राय भी जुड़े झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष, और हमारे साथ अनंत दास जुड़े और अरुण हमारे साथ जुड़े, कई अभिभावक भी जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी ये कोशिश है कि हम उन मुद्दों को दिखाएं जिनका वास्ता हमारे बच्चों से है, आम लोगों से है, और गर्मी की वजह से जो बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी, इन बच्चे क्योंकि सेंसिटिव होते हैं और उन्हें उन पर ज्यादा इसका असर हो सकता है, तो सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए लाइव लगातार के साथ। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी खबरों को हमारे वेबसाइट लगातार.in में जाकर विस्तार से पढ़ सकते हैं। नमस्कार। लाइव लगातार के